subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. मौसम बड़ा बेईमान, आ रहा है तूफान, मौसम का रेड अलर्ट, खतरे के 20 सबूत. नहीं है बल्कि ये कहे कि इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार बड़े तूफान की चेतावनी दी थी और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने लगी. धूल भरी आंधी चलने से दिन में ही रात लगने लगा. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में आ सकता है भयंकर आंधी तूफान. इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाकों में भी धूल भरी आंधी आने का खतरा है. मौसम विभाग ने आधे भारत में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात कही थी. दिल्ली एनसीआर की इन तस्वीरों से साफ है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है. मौसम विभाग ने त्रिपुरा से लेकर असम तक और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके तक बड़े तूफान की आशंका जताई थी. दिल्ली एनसीआर में जिस हिसाब से मौसम का मिजाज बदला, उससे ये दहशत फिर फैल गई है कि कहीं इस बार मौसम ज्यादा कहर तो नहीं मचाएगा. देश में मौसम को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के पीछे जलवायु परिवर्तन को वजह के तौर पर गिनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि जिस गति से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ही मौसम का मिजाज भी बदल रहा है. यानी अब कुछ भी पक्का नहीं है. यानी अब मौसम कहां मेहरबान हो जाए और कहां तबाही मचा दे, इसके बारे में पक्के तौर पर कहना मुश्किल से बेहद मुश्किल होता जा रहा है. इस बात का सबूत तस्वीरें भी दे रही है. कहीं तूफान आ रहा है तो कहीं गर्मी लोगों की जान ले रही है. दावा किया जा रहा है कि अपने देश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में असामान्य बढ़ोतरी हुई है. जानकारों ने बताया कि साल 2018 लगातार पांचवां सबसे गर्म सीजन रहेगा और ये 117 साल में पहली बार होगा. तूफान की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दिक्कत झेलनी पड़ी. दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आईपी एक्सटेंशन के इलाके में पहुंचे थे, लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलने लगी. यहां लोगों के बैठने के लिए बनाए गए पंडाल को भी तूफान से नुकसान पहुंचा. हरियाणा के जिले गुरुग्राम में भी देखते ही देखते तूफान मच गया. हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी. सड़कों पर निकलने वाले लोगों को तूफान की वजह से भारी परेशानी झेलनी पड़ी. आसमान में काले बादलों के छाने से दिन में ही अंधेरा हो गया. हालांकि रविवार का दिन होने से ऑफिस से लौटने वालों की संख्या कम थी, इसलिए सड़कों पर ज्यादा दिक्कत नहीं दिखी. लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सच होता देख लोग घरों में दुबक गए. हरियाणा के एक और जिले फरीदाबाद में भी मौसम ने बेईमान रुख अख्तियार कर लिया. देखते ही देखते यहां भर भी फरीदाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली और अंधेरा छा गया. धूल भरी आंधी चलने से सड़कों पर निकले लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी. वक्त मौसम का मिजाज बदल चुका है. आपको बता दें कि अगले 48 घंटे आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं. नोएडा फिल्म सिटी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां लगातार तेज हवाओं का दौर चल रहा है. हवाओं का शोर ऐसा है कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा. लेकिन इस बीच मौसम कैसे बेरहम हो रहा है, नोएडा फिल्म सिटी या दिल्ली एनसीआर से लगाकर उत्तराखंड तक किस तरह की तस्वीरें हैं, आपको दिखाते हैं लगातार 20 तस्वीरें. गाजियाबाद में भी मौसम का कहर काफी डरावना दिखा. यहां बड़ी बड़ी इमारतें भी धूल भरी आंधी की वजह से छिप गई. तूफान की वजह से समूचा मंजर बेहद ही खतरनाक दिखने लगा. हालांकि गाजियाबाद में दिन में तापमान काफी ज्यादा था, लेकिन तूफान की वजह से यहां पारा अचानक से लुढ़क गया. धूल भरी आंधी चलने से लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई.
मौसम विभाग के दावों का असर उत्तराखंड के केदारनाथ में भी दिखने लगा है। रविवार को रुद्रप्रयाग जिले में देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया। थोड़ी ही देर में तेज गर्जना के साथ तेज आंधी तूफान और बारिश की बौछारें गिरने लगी और देखते ही देखते मौसम में काले घने बादल छाए रहे, पूरी तरफ अंधेरा सा छा गया। केदारनाथ में बारिश से मौसम बदला तो प्रशासन भी सतर्क हो गया। इसी बीच केदारनाथ यात्रा पर आने वाले दो तीर्थ यात्रियों की हृदय गति रुकने से केदारनाथ मार्ग पर ही मौत हो गई। एक यात्री राजस्थान का था, दूसरा यात्री मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। केदारनाथ में मौसम के बदलने से लोगों में डर तेजी से पसर गया, क्योंकि साल 2013 में केदारनाथ के इलाके में मौसम के बदले मिजाज ने बड़ी तबाही मचाई। आपदा में हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि आपदा के बाद सरकारी एजेंसियों ने आपदा से लड़ने की पूरी तैयारी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदल गया। यहां शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते आसमान में काले बादलों के आने से अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का पुनरानुमान भी जारी कर दिया, जिसकी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार था। हालांकि घर से बाहर निकले लोगों को बदले मौसम की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम के बदले मिजाज से पंजाब के लोगों का भी पाला पड़ा। मौसम विभाग ने पहले से ही तूफान की वार्निंग दे रखी थी। शनिवार को अचानक दिन में ही अंधेरा छा गया, जिससे लोगों में तूफान को लेकर दहशत फैल गई। तेज गर्मी के बाद मौसम में अचानक बदलाव आ गया। हालांकि कुछ लोगों को ये खुशगवार भी लगा। दोपहर में बादलों के कारण अंधेरा छा गया और लोगों को अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ गई। तस्वीरें लुधियाना की है, जहां भरी दोपहरी में धूप अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि मौसम में अभी भी इस तरह के बदलाव होते रहेंगे, क्योंकि तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। 43 डिग्री के पार तापमान झेल रहे लुधियाना वालों को धूल भरी आंधी भी झेलनी पड़ी। तो ये सच है कि अभी भी खतरा आपके लिए टला नहीं है, तूफान का खतरा आपके लिए टला नहीं है, इसलिए आपको सावधान होना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है ये भी आपको बताएं, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इस महीने के शुरुआती हफ्ते में ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस आंधी और तूफान ने कहर मचाया था। और इसके साथ साथ इस अलर्ट के साथ आज भी यही मौसम का मिजाज सामने आ रहा है। पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में खतरा कहीं ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सैलानी पहुंचते हैं और हर किसी को वक्त रहते जानकारी देना चुनौती होती है। इस लिहाज से कुल्लू, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति और कन्नूर जिलों में यात्रा करने से बचने को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि अगले 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश होने की काफी संभावना है। शिमला के मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक राज्य में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश आने और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग के एडवाइजरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड में भी प्रशासन अलर्ट पर है। सबसे ज्यादा सावधानी उन इलाकों में बरती जा रही है जहां श्रद्धालुओं और सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। हरिद्वार उन्हीं जगहों में से एक है जहां प्रशासन ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बाहर खुले में और गंगा किनारे न जाने की अपील की जा रही, ताकि आंधी तूफान में फंसने से लोगों को बचाया जा सके। तूफान का कहर
झेल चुके उत्तर प्रदेश के लोग खतरे की आशंका से कहीं ज्यादा सहमे हुए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले दो दिनों में फिर से यूपी में आंधी तूफान और बारिश का खतरा है। मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन भी अलर्ट पर है। 2 मई को आए भयंकर तूफान के कहर से उत्तर प्रदेश में 73 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 91 लोग घायल हो गए थे। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने यूपी के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी साबित हो सकते हैं। मौसम का कहर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ उधमपुर में शनिवार को अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। तेज रफ्तार में चलने वाली हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी भी शुरू हो गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। उधमपुर में मौसम ने जो अपना रुख दिखाया, उससे समूचे जम्मू कश्मीर में तूफान की आशंकाएं बढ़ चली है। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 4 दिनों तक कश्मीर में तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी जारी कर रखी है। मौसम विभाग के इस अलर्ट का असर कश्मीर में भी दिखना शुरू हो गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में तेज आंधी चली तो दक्षिणी कश्मीर में ओले बरसे। वहीं श्रीनगर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तरी कश्मीर में तेज आंधी चलने से एक मकान ढह गया और एक महिला घायल हो गई। वहीं दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओले बरसने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है, वैसा ही कुछ हाल उत्तर भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से जो तूफान शुरू हुआ था वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। कहीं तूफान तबाही मचा रहा है तो कहीं गर्मी लोगों की जान ले रही है। और ऐसी भयानक गर्मी में किसी को गर्मा गर्म पानी पीने को दिया जाए तो मुमकिन है कि दिमाग ही गर्म हो जाएगा। लेकिन बिहार के गया जिले के मोहड़ा गांव के लोग भरी गर्मी में भी गर्म पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस गांव के सभी हैंडपंप और कुओं से सालों भर गर्म पानी ही निकलता है। सर्दियों में तो गांव के लोग खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। गांव के करीब 150 घरों के लोग इसी गर्म पानी से गुजारा कर रहे हैं। हालांकि घड़े ने इन्हें थोड़ी बहुत राहत दी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यहां जमीन के नीचे गंधक ज्यादा होने से हमेशा गर्म पानी निकलता है। बदलता मौसम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वानगी हमें खजुराहो में देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ का पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है। बेईमान मौसम आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबतों की वजह बनता जा रहा है। पंजाब के नवांशहर के गांव जंडियाला में तूफान की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे 150 से करीब ट्रॉलियों को नुकसान पहुंचा। तूफान का कहर इस कदर बरसा कि आग दूसरे गांव तक पहुंच गई। हमारा वातावरण कितनी तेजी से बदल रहा है और कितना भयावह होता जा रहा है, उसकी तस्वीर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में स्थित चंद्रपुर जिले से भी आ रही है। चंद्रपुर शुक्रवार को पूरे देश में सबसे गर्म जिला रहा। चंद्रपुर में देश का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बढ़ती गर्मी यही सिग्नल दे रही है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जिन आशंकाओं की बात हो रही थी वो अब बिल्कुल हमारे सामने है। अमूमन गर्मियों में राजस्थान गर्म रहता है, लेकिन इस दफा यहाँ भी पिछले साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे गर्म शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं, जिसमें से 3 राजस्थान के हैं। राजस्थान का बूंदी शहर 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर है। जाहिर है इतनी गर्मी में भी पानी की किल्लत से लेकर तमाम दूसरी समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो गर्मियों के बीच अचानक मौसम का ये मिजाज बदलना और रुक रुक कर बूंदाबांदी के साथ तेज आंधी का आना आपके लिए खतरनाक है। इसीलिए जी हिंदुस्तान की भी अपील है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।